भारत मालदीव के 28 द्वीपों में एक साथ घुस गया है। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के ही 28 द्वीप भारत के हवाले कर दिए हैं। भारत को मालदीव में बड़ी जीत मिल गई है। मालदीव में मिली जीत आने वाले समय में बांग्लादेश की तस्वीर भी पलट कर रख देगी, क्योंकि बांग्लादेश और मालदीव दोनों जगहों पर ही विपक्षी दल इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए थे, लेकिन अब दोनों ही घुटनों पर आने के लिए तैयार हैं। दरअसल मोहम्मद मुइज्जू ने ऐलान किया है कि उन्होंने भारत को मालदीव के 28 द्वीप हैंडओवर कर दिए हैं, ताकि भारत इन 28 द्वीपों पर वाटर और सीवरेज प्रोजेक्ट बनाए। मोहम्मद मुइज्जू ने यह ऐलान एस जयशंकर के सामने किया है। भारत अब मालदीव के इन 28 द्वीपों पर पानी को पीने लायक और इस्तेमाल करने लायक बनाएगा। आप जानते ही हैं कि समंदर से घिरे मालदीव में पानी की भारी किल्लत है। कुछ दिनों पहले मालदीव ने अकड़ दिखाकर चीन से पानी खरीदा था, लेकिन मालदीव ने अब कान पकड़ लिए हैं। आप मोहम्मद मुइज्जू के इस ट्वीट को ध्यान से पढ़िए। उन्होंने लिखा कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने मालदीव के 28 द्वीपों में जल और सीवरेज परियोजना के प्रोजेक्ट भारत को दे दिए हैं। मैं भारत सरकार, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव का हमेशा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारी साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। बताइए, इन्हीं मोहम्मद मुइज्जू ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत हमें आंख ना दिखाए, लेकिन आज इन्होंने ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने खिसियानी हंसी हंसते हुए अपने 28 द्वीप भारत को हैंडओवर कर दिए। मालदीव के सर से चीन का भूत उतर चुका है। मालदीव भारत के सामने घुटनों पर आ गया है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की भी यही हालत होगी। आज जो बांग्लादेश हिंदुओं को मार रहा है, वो हिंदुओं से माफी भी मांगेगा और भारत के सामने गिड़गिड़ाएगा भी।